अब सही लग रहा है। पूरा वीकेंड ना यार घर बैठ के दिमाग खराब हो गया था, पूरी वाट लग चुकी थी, वही चार दीवारें देख देख के ना पक गया था। बस मेरे से नहीं रहा गया, मैं बाहर निकल गया। और ऊपर से आज मौसम भी अच्छा है, ठीक है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, धूप भी कम है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन है, तो मैंने कहा बाहर निकल के माइंड फ्रेश करते हैं। बाहर निकल गया पर करना क्या है, तो करने का सीन भी सोच लिया मैंने, व्लॉग में बने रहो। अच्छा तो सीन कुछ ऐसे सोचा यार मैंने कि मौसम इतना शानदार है तो क्यों ना हम साइकिलिंग कर लें, हैं? तो अब मेरे पास तो साइकिल है नहीं, तो यहाँ पे टोरंटो में क्या होता है कि बाइक शेयर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर साइकिल्स ऐसे ट्रेल्स बनी हुई है तो वहाँ पर बाइक शेयर कर सकते हो, तो वहाँ से साइकिल रेंट करते हैं और ये वाला पूरा एरिया घूमते हैं और तुम्हें भी साथ में घुमाता हूँ। तो जी बाइक हमने कर लिया है रेंट, ठीक है, अभी आगे घूमने चलते हैं। घूमने तो चलते हैं पर जाना कहाँ है। फुल ऑन मज़ा है यार, ठीक है, तो जितनी देर होगी मेरे को कनाडा में तो 3-3.5 साल हो गए हैं, तो पहली बार यहाँ पर आके मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, साइकिल चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे मौसम बहुत शानदार है, ठीक है, कोई मतलब कोई टेंशन नहीं, मज़ा आ रहा है। अभी तुम्हें घुमाने का सीन है यार, तो मैंने सोचा कि तुम्हें लेके जाता हूँ, बड़ा खुराफाती आइडिया आया, तो करूंगा क्या, ठीक है, सैनिका कॉलेज का कैंपस है यहाँ पे, यॉर्क कैंपस है, तो जो सैनिका कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस भी देख लेना, मैं तुम्हें यॉर्क विलेज घुमा देता हूँ, ठीक है, आसपास का एरिया, बाइक पे चलते हैं और आसपास का एरिया देखते हैं, फूड कोर्ट्स देखते हैं, कैंपस कैसा है, विलेज कैसा है, तो देखते हैं, बने रहो, लेट्स गो। तो यार बैक कैमरा से शॉट वगैरह लेने मुझे ऐसे करके, पर कोई आइडिया नहीं है क्योंकि, ठीक है, अभी भाई के पास, हमारे के पास गोप्रो नहीं है, पर अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, थोड़ी सी सपोर्ट कर दोगे चैनल को, तो क्या पता आगे जाके गोप्रो भी ले लेंगे, ओके, पर फिलहाल के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा शानदार सा व्यू देने के लिए, कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा तो ये जुगाड़ लगाया तुम्हारे भाई ने, ठीक है, तुम जो अपना जो फैनी पैक था उसको उल्टा करके डाल लिया, और उसकी जो बेल्ट है, ठीक है, जहाँ पर बकल है वहाँ, जहाँ पर लॉक है, ठीक है, वहाँ पर मैं अपना ट्राईपॉड फंसा लूँगा और 0.5 में सारा मोशन जो ना ऐसे ऐसे करके सारा मोशन आगे का शूट कर लूँगा, और साथ साथ में तुम्हें दिखाता भी रहूँगा कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ओके। ओके तो जी निकल चुके हैं, ठीक है, अब एक जुगाड़ लग गया अपना शानदार सा, ठीक है, आई होप आपको भी वीडियो क्लियर आ रही हो, ये तो मेरे को अब देखने के बाद ही पता लगेगा क्योंकि स्क्रीन तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, पर अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, भाई को थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी ये जो आप देख रहे हो यार, ये है यॉर्क विलेज, ठीक है, तो नॉर्थ यॉर्क में ये एक एरिया है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है,
काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारा एरिया जो है ये यॉर्क विलेज है, तो हम विलेज में ही घूम रहे हैं। काफ़ी शानदार एरिया है ये, काफ़ी पीसफुल एरिया है। और अगर तो कोई सैनिका यॉर्क कैंपस में आ रहा है, जल्दी मुझे लगता है यार कि इन पर्सन क्लासेस भी खुल जाएंगी। आई होप खुल जाएं यार, क्योंकि ना कॉलेज लाइफ का इन पर्सन ना बहुत मज़ा, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऊपर से सैनिका कॉलेज इतना शानदार है कि फेडरेशन अच्छी बनी हुई है सैनिका की, तो यहाँ पर कितनी एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं जो आपको एंटरटेन रखती हैं, और कॉलेज लाइफ का ना पूरा पूरा मज़ा आता है। तो अच्छा, अगर आप यहाँ पे आते हो, सैनिका कॉलेज और यॉर्क कैंपस है तो ये एरिया, यहाँ पे आप अपना रेंट भी देख सकते हो। काफ़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जहाँ आप शेयरिंग में भी रह सकते हो, और फ्लैट्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है यार सारा फूड कोर्ट का एरिया। ये देख लो, यहाँ पे मेल्ट विच है, बूस्टर जूस है, सुशी है, अरोमा एस्प्रेसो बार, तो काफ़ी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए पास में। और यहाँ पे बेजल, सबवे, तो ये सारे फूड कोर्ट्स ही हैं। मज़ेदार अलग अलग कुजींस मिलती हैं, जापनीज, कोरियन, इंडियन, सबवे से तुम अच्छा अपना हेल्दी वेल्दी से खा लो। और ये देख रहे हो ना राइट हैंड साइड पे, ये है 95 द पॉन्ट रोड, ये रेजिडेंशियल एरिया, ये बेसिकली यॉर्क यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, तो यॉर्क यूनिवर्सिटी भी पास में है। अच्छा, तो अब पहुंच गए यार हम सैनिका कॉलेज, यहाँ से लेना लेफ्ट टर्न। ये देख लो, ये है सैनिका कॉलेज, कर लो जी दर्शन। आगे लेके आके दिखाता हूँ। ये है यॉर्क यूनिवर्सिटी का कील कैंपस, और तो मतलब यॉर्क यूनिवर्सिटी और सैनिका कॉलेज है ना, यहाँ पे एक ब्रिज है, इससे कंबाइंड होते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे जो सैनिका कॉलेज, लेफ्ट हैंड साइड पे सैनिका और यॉर्क यूनिवर्सिटी दोनों की कंबाइंड क्लासेस लगती हैं, पर फिलहाल तो दोनों ही बंद है। एरिया देख रहे हो यार कितना पीसफुल है, कोई बंदा नहीं, ना बंदे की जात, बस मैं ही घूम रहा हूँ अकेला। तुम्हारा भाई तुम्हें सैनिका दिखाने के लिए, देख लो, ये देख लो जी सैनिका। सैनिका एट यॉर्क। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ यार, ये है बेसिकली यॉर्क यूनिवर्सिटी, मेन यॉर्क यूनिवर्सिटी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है यॉर्क यूनिवर्सिटी। ओके, राइट हैंड साइड पे भी वही है, मतलब अलग अलग कैंपसेस, अलग अलग कॉलेज हैं। पूरा कैंपस घूम लें यार हम अभी ना यार, ये साइकिल जो है वो डॉक करने जाना। तो सीन क्या है अगर बाइक शेयर का, कि अगर आप बाइक रेंट करते हो ना, तो जैसे मैंने 24 आवर का पास लिया, पर तो भी एवरी 30 मिनट्स मेरे को जो है ये वापस डॉक में, लाइक स्टेशन पे डॉक करनी पड़ेगी, ताकि मतलब उनको भी सेफ्टी हो जाए कि बाइक वापस आ गई है। पर मेरे को ये पसंद नहीं आया यार, देखो जैसे मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर था, तो वहाँ पर कोई स्टेशन नहीं था बाइक के लिए, तो मुझे अलग से मतलब मैप में स्टेशन देखना पड़ा। अब वहाँ पे जाके पहले डॉक करूँगा, उसके बाद दोबारा री रेंट करूँगा, ठीक है, और री रेंट करने के बाद दोबारा फिर घूमेंगे। सो यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड, मैंने यार ये बाइक रेंट की हुई थी 24 आवर्स के लिए, ठीक है, तो अभी मैं डॉक में लगा के दोबारा री रेंट कर रहा था, तो वो जो मेरा री रेंट है वो ऑथोराइज नहीं हो रहा था,
तो अभी मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल किया, ठीक है, शाम से रात हो गई है, अभी लास्ट ट्रिप लगाते हैं, घर चलते हैं। बड़ी भूख लग रही है यार, बड़ा साइकिल चला लिया और ऊपर से इतने टाइम बाद चलाया ना, इट्स फन दो, लेट्स गो। तो बाइक डॉक कर दी है, मजा आ गया यार, एकदम फुल ऑन, सब कुछ सेट जा रहा था, ठीक है, मूड पूरा सेट था। एक चीज़ ख़राब हो गई, माइक है ना वो टूट गया। हुआ क्या यार, मैं ना एक शॉट ले रहा था, तो हवा तेज़ चल रही थी, ठीक है, अभी भी हवा देख लो तेज़ चल रही है, तो वो जो शॉट लेते हुए ना माइक ऐसे ट्राइपॉड नीचे गिर गया और माइक अटैच था फ़ोन के साथ, वो गिर गया और टूट गया। एक चीज़ ख़राब होगी, वरना फुल ऑन मूड चिल आउट हो गया, ठीक है, एंड बाहर निकल के यार। पर चलो यार, अपन ने मूड नहीं ख़राब करना, ठीक है, अपने पास कौन सा अल्टरनेटिव नहीं था। अभी घर भी थोड़ा सा दूर ही है, लाइक 100 मीटर्स पे हैं, तो फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ और व्लॉग एंड करते हैं। तो जी, हम पहुंच गए हैं व्लॉग के एंड में। तुम लोग भी अगर अभी तक रुक चुके हो तो कमेंट सेक्शन में जाके एक यार बाइसाइकिल की इमोजी ज़रूर पोस्ट कर देना, क्योंकि तुम्हारे साथ व्लॉग करके मज़ा इतना आया कि इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है। और अभी मुझे भूख इतनी लगी है कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग भी चलो। अच्छा, अगर तो मज़ा आया तो जाने से पहले सब्सक्राइब और किसी के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। दोबारा देख लो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया ना यार।